पढ़ेंगे 3.3। इसमें क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, सपोज कोई मैट्रिक्स दिया है आपको, जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 1/2 और -1, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। हम इसको ए डैश से भी शो कर सकते हैं और ए टी से भी कर सकते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज या फिर ए डैश। तो क्या हो जाएगा, इसको रो को कॉलम में करें तो 5 1/2 -1, ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसका ये क्वेश्चन दिया है ए कॉस टू, हमने मान लिया 1 -1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वही रो को कॉलम, कॉलम को रो में कर देंगे, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो सिंपली आप किस आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, तो नोट करना ही नहीं होगा, ये फर्स्ट और ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज मतलब सिंपल सी बात क्या है, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। अभी जैसे कि सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ए कॉस टू दिया है आपको -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और आपसे कहा वेरीफाई दैट, वेरीफाई आपको करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। तो ये क्वेश्चन आपको दिया कि आपको वेरीफाई करना है कि आपको ए और बी जो मैट्रिक्स दिए हैं दोनों, और इनमें आपको ये वेरीफाई करना पहला और दूसरा। तो बहुत सिंपल है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों ए और ए डैश और बी डैश निकाल लो। ए डैश क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी डैश क्या हो जाएगा आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब सिंपल हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी निकाल लीजिए, ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी वही मतलब जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ऐड करेंगे -1 और -4 कितना हो जाएगा -5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, -2 और 1 कितना हो जाएगा -1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और इसके बाद और क्या है 3 और -5 कितना हो जाएगा, और 9 और 9 ही बचा, और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2। तो अब इसके बाद हमने a प्लस बी, लेकिन मुझे इसका क्या निकालना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, इसको उल्टा कर देंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देंगे, क्या हो जाएगा -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 और 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, a डैश प्लस b डैश निकालना है, तो एक्चुअल में हमने ये a डैश प्लस b डैश ही निकाला है, ये है ना, ये गलती हमने कर दी, a डैश प्लस b डैश ही तो है ये, तो a डैश प्लस b डैश, इसको ट्रांसपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे a प्लस b, तो a प्लस b यहाँ से निकलेगा, तो a प्लस b क्या हो जाएगा बताओ, -1 और -4 कितना हो जाएगा -2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और -5 कितना हो जाएगा -2, 5 और 1 कितना हो गया 6, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 0 कितना हो जाएगा 9 ही है, और -2 और 1 -1 1 और 2 4, और ये 1 और 1 2। अब इसका क्या करूँगा, मैं ट्रांसपोज कर दूँगा, तो ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। देखो ये और ये इक्वल है क्या, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2 हो गया इक्वल, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। तो सिंपल सा क्या था, इसमें बस कुछ है ही नहीं, तो इतना कोई खतरा, वैसे ही आप माइनस करके सॉल्व कर लेना इसको, दोनों को माइनस करके फिर ट्रांसपोज कर लेना, और रेडियस माइनस बी डैश निकाल, यही आंसर आएगा, आ गया समझ में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, वेरिफिकेशन करना ऐसे ही आप कर सकते हैं आसानी से। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, ये नोट करना है आपको, अल्फा साइन अल्फा -sin अल्फा
कॉस अल्फा, आपको वेरीफाई करना है इसको, ए ए डैश इक्वल्स टू आई, क्या बोले आपसे, ए ए डैश इक्वल्स टू आई, तो पहले आपको ए डैश निकाल लो आप, ए डैश क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ए ए डैश मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो ए डैश ए, पहले ए डैश तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन टू करूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल, सेवन बनाना है अपन को, तो क्या होगा कॉस का कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहला कॉलम पहला रो पहला कॉलम खत्म, अब दूसरा कॉलम पाएंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा ही हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा ये तो माइनस प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसका सेकेंड रो पे करेंगे तो कॉस साइन कॉस हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब वही चीज़ यहाँ पे करें, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस इंटू क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस का डीटा क्या होता है वन, ये जीरो और ये जीरो और ये भी साइन स्क्वायर डीटा कॉस का क्या हो जाएगा वन, तो क्या कहलाता है आपका आई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो सिंपल आपने सिर्फ कुछ नहीं करा, डैश निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे सिंपल वेरिफिकेशन है आपके, आगे समझ में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो बहुत आईएमपी है, जो कि इस चैप्टर की जान है, जो हम पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें वही है। सो बोला कि द शो दैट द मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अगर ए डैश इक्वल्स टू ए होता है, क्या होता है ए डैश इक्वल्स टू ए, ठीक है ना, आना तो बोल दो सर। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है तो आपको हो जाएगा ए डैश इक्वल्स टू माइनस है, ये होता है बस इसका मतलब। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसको ए डैश निकालना वो माइनस ही आ जाएगा, और ये आपका ए डैश इक्वल्स टू किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा। करके देख लेते हैं, क्योंकि हमसे बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है इसको, तो ए का मैं क्या निकालूंगा ए डैश, तो निकालो भैया ये रो कॉलम में हो जाए क्या हो जाएगा वन माइनस वन फाइव, ये माइनस वन टू वन और ये हो जाएगा फाइव वन और थ्री। ध्यान से देखो ए और ए डैश दोनों बराबर हैं क्या, ए वन माइनस वन फाइव बिल्कुल है, तो आप देखेंगे है ए इक्वल्स टू ए डैश, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है आपका ये सिमेट्रिक्स। समझ में आ गई बात, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो क्या होता ए डैश इक्वल्स टू माइनस ही हो जाता, भले इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती माइनस, बाहर कॉमन हम ले लेते, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ये आगे समझ में, इसको हम इरेज कर देते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो है इसका सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला है हमसे कि हमें प्रूव करना था स्क्यू है, ए कॉस टू दिया हुआ है आपको जीरो वन माइनस वन माइनस वन जीरो वन वन माइनस जीरो। अब इसको मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो सिंपल मतलब ए डैश निकालने से, तो ए डैश निकालेंगे क्या हो जाएगा जीरो वन माइनस वन और ये हो गया आपका माइनस वन जीरो वन वन माइनस वन जीरो, ठीक है। तो आप इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा जीरो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस, तो ये वन ये माइनस वन ये माइनस वन ये जीरो ये प्लस वन ये वन ये माइनस वन और ये जीरो। ध्यान से देखो ये ए बन गया क्या, जीरो वन माइनस वन माइनस वन जीरो वन वन माइनस जीरो बन गया ए, तो मतलब ये हो जाएगा ए डैश इक्वल्स टू सॉरी ए इनवर्स लिख दिया, ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ए माइनस ए, तो इसका मतलब ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये आपका ये, तो जब भी आपको कंडीशन है बोले कि प्रूव करो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए डैश इक्वल्स टू ए होना चाहिए, और अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए होना चाहिए। तो जनरली ये क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से नहीं पूछते, दूसरे तरीके से पूछते हैं, सम और उनका पूछते हैं कि सम और डिफरेंस उनका स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं आगे समय में।